नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों, UPSC का प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है और प्रीलिम्स UPSC का जो है वो अपने आप में आपके गेम चेंजर होने वाला है। तो शुरुआत में आज की इस जो वीडियो का मेन इनिशिएटिव है वो यही है कि आपकी प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करें, कैसे स्टडी प्लान आप लोग को रखना चाहिए और क्या क्या सोर्सेज कहाँ से पॉलिटी आपको पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक ग्लिम्स आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या सोर्स आपको रेफर करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो है पूरा सिलेबस को डिकोड किया हुआ है इस पूरी वीडियो में, जो है हम पूरा गवर्नेंस जैसा है यहाँ पर। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमने प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है। मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये जो वीडियो है आपकी रहने वाली है वो आपके पूरे YouTube पे कहीं आपको नहीं मिलेगी। और शायद ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, इसके बाद जो घर पे बैठ के तैयारी करने की सोच रहे हैं, जो खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात लिखी गई है, दोज हु हैव करेज टू वॉक अलोन हैव अ कॉन्वॉय वन डे। तो दोस्तों, अगर आप में भी हिम्मत है अकेले चलने की तो चिंता मत कीजिए, लाल बत्ती की गाड़ी आपके पास जरूर आएगी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहना है। आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस जो कि आपके IAS बनने तक जो है आपको मदद करेंगी, तो ये वीडियोस आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाली हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा मेन्स आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो ये स्पेसिफिक सीरीज हम ला चुके हैं, मगर दोस्तों जो मेन्स है उसका हर्डल आपके लिए ना आए इसके लिए हम ये सीरीज लाए हैं, क्योंकि एन आंसर अ डे पेव्स अवे फॉर मसूर स्टे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आज की जो वीडियो है उसमें है कि आपके जो टॉपिक्स हैं कि कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और पॉलिटी की स्टडी टोटल कैसे करें और पूरा प्रीलिम्स का एनालिसिस आज की ये वीडियो में हम करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर पॉलिटी की हम बात करें तो 1993 से लेके अब देखिए 2018 तक का एनालिसिस हमने किया हुआ है। तो देखिए, ये जो पॉलिटी का ग्राफ है वो लगभग मैक्सिमम इसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 में, और 2017 में भी जो है 22 क्वेश्चन के करीब करीब जो है इसमें पूछे गए हैं पॉलिटी में। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पॉलिटी का ग्राफ लगातार जो है, यहाँ पे देखिए 2015 के बाद थोड़ा सा ग्राफ जरूर गिरा, मगर उसके बाद फिर 2017 में जो है ग्राफ फिर से ऊपर आ गया। तो यानी कि 2018 का भी जो 19 का भी जो ग्राफ था उसमें भी PT में अच्छे खासे क्वेश्चन, करीब 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो पॉलिटी से थे। तो दोस्तों, ये जो पूरा ट्रेंड एनालिसिस है इसको देख के आप ये तो एश्योर कर सकते हैं कि पॉलिटी आपके UPSC की प्रीलिम्स की जर्नी के लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये पॉलिटी के बिना आप लोग UPSC क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तो अब ये जान लेते हैं कि पॉलिटी की पूरी तैयारी आपको कैसे करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आखिरी 30 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे आपको जो है UPSC का प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर पाएंगे, किन किन सोर्सेज से। तो दोस्तों, मैं आपको ट्रेंड का एक ये बता दूं कि साइलेंट, ये पिछले 5 सालों का एनालिसिस है। दोस्तों, ये 5 साल के अगर हम क्वेश्चन देखें, क्योंकि 5 हमने ट्रेंड एनालिसिस दो तरीके से किया है, एक 5 और एक पिछले 25 सालों के, दोनों के ट्रेंड एनालिसिस इसी वीडियो में है। तो देखिए, अगर 5 साल की बात करें तो साइलेंट फीचर के ऊपर 2 क्वेश्चन है पॉलिटी में, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर 10 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मान सकता हूँ इसको, DPSP प्रीएम्बल, DPSP देखिए, यहाँ पर जो प्रीएम्बल है, DPSP है, और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये देखिए DPSP हो गया, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और पार्लियामेंट, ये सभी आपके मिलके कम से कम 22 क्वेश्चन बना देते हैं ऑन एन एवरेज। तो पूरे क्वेश्चन जो है अभी तक जो पूछे गए हैं पिछले लास्ट 5 सालों में, तो 122 क्वेश्चन जो है करीब करीब पूछे जा चुके हैं, यानी कि अगर आप 1 साल के लगाएं तो करीब करीब 12 प्रश्न जो है पॉलिटी से सीधे सीधे आ चुके हैं। अब पिछले 25 सालों की जब हम पॉलिटी का एनालाइज करेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 5 क्वेश्चन, साइलेंट फीचर से जो है 6 क्वेश्चन, उसके बाद प्रीएम्बल से जो है 4, फंडामेंटल राइट से 21, DPSP से 18 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी से 8, पार्लियामेंट से 37 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पार्लियामेंट जो होता है वो लगातार कंटिन्यूस जो है डिबेट में रहता है, इमरजेंसी प्रोविजन से जो है 2 क्वेश्चन, अमेंडमेंट से जो है 2 क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से 12, सेंटर स्टेट रिलेशन से 5, यूनियन गवर्नमेंट से जो है करीब करीब 21 क्वेश्चन, वहीं मिनिस्ट्री से 6, स्टेट गवर्नमेंट से 18, जुडिशरी से 19, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 11, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 4, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 15, शेड्यूल ट्राइबल एरिया से 4, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी से 15, प्लानिंग से 4, लीगल राइट
ये पूरा मिला के मिसलेनियस से 28। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस हिसाब से जो है पढ़ने हैं। दोस्तों ये टॉपिक सब आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी हिसाब से जो है आपका पूरा वो रहने वाला है। देखिए पहला टॉपिक आप लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा लिख लीजिए गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। तीन अलग अलग कॉलम बना लीजिए और उसके नीचे ये तीनों जो है आप नोट करते जाइए मेरी वीडियो के साथ साथ में। तो ये एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ट्रेंड जो है बेसिकली जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो बेसिक पॉलिटी और गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा वेरी किया है। इसमें गवर्नेंस के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी है और डिफिकल्टी लेवल जो है इसका इजी टू मॉडरेट है। ये कैसा रहा है ये आने वाली जो वीडियो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं। तो बेसिक इजी टू एलिमिनेट वो क्वेश्चन हैं और एप्लीकेशन जो हुआ है सभी में लगभग लगभग फंडामेंटल्स का एप्लीकेशन है। तो आइए वीडियो की जो है मेन पोर्शन पे आ जाते हैं। तो पॉलिटी का जो पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो दोस्तों इसमें देखिए आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है फीचर ऑफ ईच एक्ट फ्रॉम 1773 टू 1947। तो ये सारे एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक वाइज आप डिकोड कर लीजिए सिलेबस को, ऐसे ही कॉलम बना लीजिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो ये पीडीएफ भी मैं आपको जो अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए आप आईएएस के, तो वहां से ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल करा दी जाएगी आने वाले दिनों में। तो साइलेंट फीचर की जब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक साइलेंट फीचर है, तो इसमें फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर ईच फीचर सच एज डेमोक्रेसी लिबर्टी, ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए प्रीएम्बल की जब हम बात करें तो प्रीएम्बल में जो है कंटेंट ऑब्जेक्टिव और अमेंडमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मैं जो ये कह रहा हूँ वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी, वहीं सिटीजनशिप की जब मैं बात करता हूँ तो फीचर लाइक सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में सिटीजनशिप का मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, तो फीचर्स लाइक सिंगल सिटीजनशिप और इसमें आपको क्या करना है जैसे प्रेसिडेंट, इनको लिंक कर दीजिए जैसे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए और इसके अलावा देखिए एनआरसी के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं जो करंट के टॉपिक्स हैं, मतलब उनमें आपको जो है काफ़ी वो रखना है, बर्ड्स आई व्यू जिसे बोलते हैं वो आपको रखना ही रखना होगा। इसके अलावा देखिए फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, रेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट आउटसाइड पार्ट थ्री। इसके अलावा देखिए इसको रिलेट कीजिए आप फंडामेंटल राइट और करंट अफेयर्स लाइक प्राइवेसी राइट टू मैरी एट्सेट्रा, इन सब से जो है आप इसको जो है लिंक कर लीजिए। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसकी पर्पस लिस्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, नॉन जस्टिबिलिटी, कंपेरिजन ऑफ प्रीएम्बल वर्सेज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स वर्सेज डीपीएसपी, डीपीएसपी वर्सेज फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये जो डिबेट है इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। जैसे कि बहुत से प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल है या नहीं है, इन सर्टेन कंडीशन ये इन्फोर्सेबल होगा या नहीं होगा, इसका नेचर क्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके तैयारी के हिसाब से काफ़ी जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं When we talk about amendability of the constitution, जब हम amendability की बात करते हैं तो types of amendment, which type of amendment is required for amending the constitution, certain parts, article जो है उसके schedules हो गया, important amendments हो गया like first, 25th, जितने भी ये लिखे हुए हैं, जैसे कि first हो गया 25th amendment हो गया, 39th हो गया, 42nd हो गया, 44th हो गया, 69th हो गया, 73rd हो गया, 74th, 77th, ये important जितने भी amendments हैं ये आपको जो है याद होने चाहिए लगभग लगभग। तो basic structure की जो हम बात करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, केशवानंद भारती केस क्या था, इसके अलावा देखिए जो इसका लिस्ट है, इसका पर्पस है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो ये तो दोस्तों एक बेसिक बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री राज जो है वो आपको पढ़ना क्या क्या टॉपिक से है, मतलब क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए इसके लिए आप रेफरेंस क्या क्या यूज़ करेंगे, रेफरेंस की जब हम बात करेंगे जो प्राइमरी सोर्स आपका रहना चाहिए वो एनसीईआरटी नई वाली। इसके अलावा देखिए उसमें एनसीईआरटी में क्या क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी 1 जिसके सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वहीं जो 11th की एनसीईआरटी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके जो है 1, 2, 9 और 10th चैप्टर केवल वही इंपॉर्टेंट हैं। किससे रिलेटेड, आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज फ्रेमवर्क से रिलेटेड, यानी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायती राज और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये तीन टॉपिक को आपको अगर करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की पूरी बुक पढ़ लेनी है। इसके अलावा देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के 1, 2, 9th और 10th चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, इनको डिकोड करते हुए ऐसे पढ़िएगा, ये आपकी बहुत ही पॉलिटी होगी, आसान हो जाएगी। लक्ष्मीकांत का जो है आप 1st से 11th चैप्टर इसके साथ साथ पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेकेंडरी सोर्स आपको क्या रखना है दोस्तों,
क्लास सिक्स्थ की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के पहला और दूसरा चैप्टर, इसके अलावा देखिए सेवन्थ की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू की जो है एक से लेकर 10 चैप्टर, इसके अलावा देखिए क्लास एट्थ की जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थ्री जो है इसका पहला चैप्टर, क्लास नाइन्थ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का 1, 2 और 3 चैप्टर, इसके अलावा देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट टू चैप्टर थ्री हो गया, सेवन हो गया और एट हो गया। तो ये चैप्टर्स आपको जो है पूरे पूरे कर लेने हैं। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आप लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। तो बेसिक यही आपका जो पूरा भ्रम था उसको दूर करने के लिए ये जो वीडियो सीरीज है ये पूरी आपके जो है डाउट पॉलिटी से रिलेटेड पूरा पूरा खत्म कर देगी। इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये चार जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरा क्या है फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ है, कुछ सेंटर और स्टेट रिलेशन में आए, जैसे जीएसटी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, गवर्नर रूल हो गया, इसके अलावा देखिए और भी जो इश्यूज हैं सेंटर स्टेट के बीच में, वो इश्यूज जो है फ्रीक्वेंटली जो आ रहे हैं, जैसे कि पुच्ची कमीशन की रिकमेंडेशन थी, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी, नीति आयोग जो है समय समय पर जो है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया जैसे अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट निकाला था। तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, मतलब जो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया में उन्होंने डिलिनेट की थी, तो उन स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली फॉलो करना, इसके अलावा देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड जो भी सेंट्रल स्टेट के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाता है कई बारी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, सेंटर सेक्टर स्कीम से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, इंटर स्टेट एंड जोनल काउंसिल्स, और देखिए प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सभी जो टॉपिक्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जाते हैं दोस्तों कि इनके लिए सोर्सेज क्या क्या रहेंगे। तो प्राइमरी सोर्स की जब हम बात करते हैं तो क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क का 7वां चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है इसके 12-16 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स से इसको अपडेट करना है। वहीं इसके लिए जो सेकेंडरी सोर्स आपका रहेगा वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट टू का जो है चैप्टर 1 और 2। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका जो है पर्टिकुलर जो टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उन सभी के जो है पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन करके ये मांगने होंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो मैं आपको उपलब्ध करा ही रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे आप आइए सर्च करके आप लोग जो है वहाँ जुड़ जाइए। तो वहीं दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पे। अब देखिए एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो दो लेवल पे ये होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दोनों का सोर्स जो है हम एक साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो है चार टॉपिक हो जाते हैं। इसके सब टॉपिक देखते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स और इसके फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस, इसके अलावा देखिए पीएम्स रिलेशन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा देखिए इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा देखिए पावर एंड फंक्शन। वहीं इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी की जब हम बात करते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब स्टेट पे देखिए, आपको कोई भी पॉलिटी में अगर सब्जेक्ट पढ़ना है उसके पढ़ने का सही तरीका क्या है, प्रेसिडेंट को आप लिंक कर दीजिए गवर्नर के, नहीं देखिए तो यहाँ पे जो है आपको पॉलिटी जो पढ़ने का सही तरीका है दोस्तों वो ये होगा कि यहाँ पे स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट को, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट हो गया तो उसको रख लीजिए, गवर्नर को स्टेट लेवल पे रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर के साथ साथ में पढ़िए। वहीं जब स्टेट गवर्नमेंट का जब आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वैसे ही यहाँ पर पढ़िए, गवर्नर वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट और वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशनशिप, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। तो मतलब प्रेसिडेंट के साथ आपको पैरेलल में क्या रखना है, गवर्नर रखना है। तो उसके अलावा देखिए जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या रखना है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी है, चीफ मिनिस्टर की है। अब यहाँ पे सीएम की रिलेशनशिप विद द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के साथ पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है स्टेट के साथ पढ़ना है। अब आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे जैसे अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे स्टेट पे क्या है एडवोकेट जनरल, तो एडवोकेट जनरल की पावर एंड फंक्शन पढ़ रहा है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की, तो दोनों को इंटरलिंक करके पढ़िए, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, तो ये जो है आपका सिलेबस जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। वहीं जो है अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप जब
जब हम कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं तो इसकी पावर फंक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो स्टेट लेवल पे जो होता है चीफ सेक्रेटरी होता है, तो इसकी पावर फंक्शन को आप पढ़िए। अब इसके लिए प्राइमरी सोर्स, आप सोर्सेज पे आ जाते हैं, पूरे पूरे सोर्सेज क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। प्राइमरी सोर्स जो आपका रहना चाहिए वो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए 11th कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क का चौथा चैप्टर। इसके अलावा देखिए लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी के चैप्टर हैं 17, 20, 26, 48, 46, 47 और पूरा पूरा करंट अफेयर्स से अगर कोई हमें वो होता है, जैसे कि हाल ही में जो था बिजनेस रूल नंबर 13 जो था वो जो था प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया था किसके लिए, जो महाराष्ट्र में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था रात को उसको निकालने के लिए, तो ये कंडक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है वो कैबिनेट के वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको करंट सेज को लिंक करना है। अब सेकेंडरी सोर्सेज में आप आ जाइए तो इसमें क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 इसका चैप्टर 2 आपको पढ़ना है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम जो है आपको ये जो है एक तरफ टॉपिक हैं फिर सब टॉपिक हैं, उसके अलावा पूरे सोर्स का डिस्कशन हो रहा है। तो ये तो आपको जो आप जगह जगह यूट्यूब पे छानते रह रहे हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कैसे पढ़ें, ये केवल एकमात्र ऐसा वीडियो है जो आप पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा कौन से सोर्स से कहाँ जा पढ़ना है और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम इसके लिए जो है आपके लिए पूरी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, मगर आप इन वीडियोज़ इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। बाकी फिर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपके लिए जो है हम पूरा प्रीलिम्स का जो है क्रैश कोर्स फ्री में लाएंगे। दूसरे जो है जितने भी YouTube पे तमाम पापा दादा नाना चाचा दादा जो भी वीडियोस चल रहे हैं उनमें जो है सब पेड ग्रुप चला चुके हैं, तो हम आपको बता दें कि हम अपना जो कंटेंट है वो पूरा जो है फ्री रखने वाले हैं, क्योंकि अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, एक मोमबत्ती को दूसरी मोमबत्ती को जलाकर वो कुछ भी नहीं होती है, तो ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है, ये हम लोगों का मानना है। तो आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सॉरी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में जो हम बात करेंगे स्पीकर की, चेयरमैन की, जॉइंट सिटिंग की, मनी बिल, बजट, ये सभी टॉपिक्स अलग अलग हैं, इनको नोट कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा वर्सेज लोकसभा, पार्लियामेंट्री कमेटीज, डिवाइसेस इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग लाइक मोशंस, इसके अलावा देखिए जनरल रूल्स ऑफ बिजनेस जो मैं अभी बात कर रहा था, एक्ट लॉज और इन करंट अफेयर्स सच एज लेबर लॉज, कोर्ट्स, ये सभी जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आपको साथ साथ लेके चलना है, यही चीज़ समझने वाली है कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है। देखिए पार्लियामेंट पढ़ लें तो साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेचर आप साथ में रखिए। अब यहाँ पे आप वहाँ का स्टेट स्पीकर पढ़ लें तो आप यहाँ पे बात कीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पीकर है वो कैसे इलेक्ट होता है, उसकी कैसी बात होती है। अब चेयरमैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेवल पे जो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनकी बात कर लीजिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्टेट लेवल पे देखिए कैसे वो होगा, तो लेजिस्लेचर काउंसिल वर्सेस असेंबली इस पे देखिए, बिल्स रेफर्ड टू द पार्लियामेंट एंड जनरल रूल्स ऑफ बिजनेस जो अभी मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो दोस्तों मैं ये एश्योर तो कर सकता हूं आपको 100% कि आपका जो यूपीएससी में सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोकेगा। प्राइमरी सोर्स इसकी अब हम सीधे सोर्सेज पे आ जाते हैं। प्राइमरी सोर्स जो होगा 11th का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क इसका चैप्टर 5, लक्ष्मीकांत का जो है चैप्टर नंबर 24, 22 और 29। अब इसके अलावा देखिए PRS इंडिया की जो वेबसाइट है वो अपने आप में ऑथेंटिक सबसे बेस्ट साइट मैं आपको बोलूँगा, prsindia.org। इसके अलावा IAS पार्लियामेंट जो है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। वहीं सेकेंडरी सोर्स के रूप में आप जो है क्लास 8th की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के जो है चैप्टर नंबर 3 और 9 आप जो है रेफर कीजिए, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी इससे। आगे देखिए जुडिशरी, इसके अलावा देखिए लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पब्लिक पॉलिसी राइट और इसके पूरे सोर्स की समरी जो है ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे जुडिशरी की, तो देखिए जुडिशरी में आ जाता है तीन तरीके से, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट, नेशनल एंड स्टेट लीगल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत एक्ट। तो ग्राम न्यायालय का जो अभी एक्ट आया था, इसके जो सब टॉपिक्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाल ही में जो है लगातार जुडिशियल जो बात की जा रही थी कि जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, जुरिसडिक्शन लाइक सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, जुडिशियल रिव्यू, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब रिसेंट में ही न्यूज़ में था NJT जैसे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के, ठीक है, रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट कैसे हैं, जैसे मैंडमस है, हैबियस कॉर्पस है, कौन कौन सी रिट्स जो होती है कैसे यूज़ होती हैं। तो इसके अलावा देखिए फंक्शन पावर की बात कर लीजिए। अब इसके लिए प्राइमरी सोर्स आपको क्या रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लास 11th की NCERT उठानी है, उसका छठा चैप्टर आपको जुडिशरी स्पेसिफिक आपको, देखिए टॉपिक वाइज चलिएगा ये मेरी आपसे सलाह है, बुक वाइज अगर आप चलेंगे ना दोस्तों इतनी बुक्स हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरू कहां से करी बुक और खत्म कहां हुई, और ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि पार्लियामेंट हमने यहां यहां से पढ़ा था, इसमें अलग अलग करा था। तो आप एक काम कीजिए इनकी सोर्सेस जो है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ऐसे उठाइए कि जैसे आपने जुडिशरी का 11th का 6th चैप्टर उठाया तो केवल 6th चैप्टर के नोट्स बना लीजिए,
उसके बाद आप क्या उठाइए, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी उठाइए, 25, 30 और 31 चैप्टर उठाइए, इन तीनों का पढ़ के जो है जुडिशरी का टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद रेफर करने की जरूरत पड़े तो क्लास 8th की जो है सोशल पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर 5 और 6 आप पढ़ लीजिए और आपका पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आप सीधे आइए प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं उसको देखिए और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप जो है पॉलिटी खत्म कर देंगे क्या जुडिशरी का टॉपिक। फिर दूसरा ऐसी टॉपिक उठाइए, दूसरा टॉपिक खत्म कीजिए, ऐसे करके आप अपने लक्ष्य के लिए जो है बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो आइए आगे बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की जो पंचायती राज है, तो अब आ जाइए लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज के ऊपर, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे आपको दो तरीके से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन फंक्शन 73rd अमेंडमेंट वर्सेस 74th कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजन, इसके अलावा देखिए बेसिक स्कीम रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, और इसमें आपको फोकस जो देना है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी पे देना है। वहीं म्यूनसिपैलिटी की आप पैरेलल में बात कर लीजिए, टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, डिफिकल्टी फेस्ड बाय अर्बन गवर्नमेंट, और पीपल के एस्पिरेशंस क्या है, करंट अफेयर्स और इंटरनेट को जो है अपडेट करते रहिए, वाटर स्कार्सिटी जो है अर्बन रीजन में, पॉल्यूशन, बेसिक स्कीम अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड। अब देखिए इसको आप सोर्सेज क्या क्या रखने हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी आप उठाएंगे, इसका 8वां चैप्टर आप पढ़ लेंगे, इसके अलावा लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के 34th और 35th पीए, यहाँ पे मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट रिलेटेड टू पंचायती राज रूरल अर्बन डेवलपमेंट, और इसके अलावा आपको रेफर करनी है जो panchayat.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर mohua.gov.in और rural.nic.in, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है वर्सेज यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेटर वर्सेज सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिल्ली में हमेशा ये डिस्प्यूट चलते रहता है। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का 36 चैप्टर नंबर 36 जो है पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स इसको अपडेट कर लीजिए, पर्याप्त रहेगा यूनियन टेरिटरी के लिए। स्पेशल स्टेटस एंड प्रोविजन स्पेशल एरियाज ऑफ शेड्यूल 1 and 1 to 12, इसमें आपको देखिए क्या करना है, स्पेशल स्टेटस एंड प्रोविजन स्पेशल एरियाज शेड्यूल 1 to 12 में आपको जैसे जम्मू कश्मीर, स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और 35 ये ख़त्म हो चुका है, तो इसका क्या प्रोविजन ऐसे थे जो जो डिलीट हुए, कैसे मतलब डिलीट किया, प्रेसिडेंट का क्या रोल था, तो आपके लिए जो होता है 371 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 371A इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए इनको कौन मॉडिफाई कर सकता है, रूल ऑफ 5th and 6th शेड्यूल एरियाज, लिस्ट ऑफ स्टेट अंडर कमिंग अंडर 5th and 6th शेड्यूल, और इसके अलावा देखिए शेड्यूल 1 से 12 जो है बेसिक्स, तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के 32 से 37 चैप्टर, उसके अलावा देखिए शेड्यूल रेफर कर लीजिए 1 से 12 के 3rd चैप्टर के, तो ये रेफर कर लेंगे तो इतना आपका पर्याप्त रहेगा। शेड्यूल का मैं आपको पीडीएफ अलग से दे दूंगा। तो देखिए इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आप फोकस दीजिए जो कि फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आते रहते हैं, स्टडी कंपेयरिंग टू 2-3 बॉडीज़ जैसे अपॉइंटमेंट टेन्योर रिपोर्ट ये जो देती हैं वो कैग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और जितने भी कोर एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखिए। ऑफिशियल वेबसाइट और लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर हैं जैसे कि 38 से लेके 56 ये आप पढ़ लीजिए, इस हिसाब से आप पढ़िए। और इसके अलावा वेबसाइट आपको कौन कौन सी प्रेफर करनी है, जैसे cic.gov.in, cag.gov.in ये आपको रेफर करनी है। वहीं पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ए पॉलिटिकल पार्टी, बी इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म और एंटी डिफेक्शन लॉ ये आपको जो है पूरी तरीके से पढ़ने हैं दोस्तों। तो इसमें आपको फोकस किस पे करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ पे और इलेक्शन रिलेटेड टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लगातार जो है न्यूज में रहता है क्योंकि हर गवर्नमेंट जो होती है अपने तरीके से इसको मॉडिफाई और इस्तेमाल करती है एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसको लक्ष्मीकांत की आप 64 से 70 चैप्टर आप पढ़िए, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन .gov.in और करंट अफेयर से आप अपडेट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है मगर ये अश्योर करता हूँ कि पॉलिटी का अगर आप ये वीडियो ढंग से समझ लेंगे ना दोस्तों तो इसके बाद जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका बेसिक डाउट आपका ये रहता है कि सोर्स कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा आपको क्लियर हो रहा है इस वीडियो में कि पर्टिकुलर टॉपिक को आपको डिकोड कैसे करना है। सबसे पहले डिकोड करना है टॉपिक को, फिर उसको सब टॉपिक में डिवाइड करना है, फिर उसके सोर्सेज डिसाइड करने हैं। तो इसी की तैयारी करने में लोगों को 1 साल लग जाता है। आपको ये 30 से 40 मिनट के अंदर ये वीडियो में मिल रहा है तो आप ये समझिए कि कितनी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा इनडेप्थ एनालिसिस मिले और आपकी तैयारी में कहीं भी चूक ना रहे। तो पब्लिक पॉलिसी एंड डाइट इशू की बात करते हैं तो ट्राइब्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन एंड चाइल्ड, इसके अलावा माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड, तो ये जो है
इसमें आपको क्या करना है, सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनकी पब्लिक और पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को जो है आपको एक साथ डिस्कस करना है। तो इसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स मेरे हिसाब से जो रहेगा वो मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट फॉर पॉलिसी, उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के जो भी वो हैं, तो अब इनके लिए मैं आपको जो है वेबसाइट बता देता हूँ, tribal.nic.in, wcd.nic.in, वहीं minorityofaffairs.gov.in और socialjustice.nic.in। तो ये लिंक जितने भी हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो के जो है हम लगभग अंत पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए आप जो पॉलिटी के जो है इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी हम एक समरी में बात कर लेते हैं। देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इवोल्यूशन ऑफ एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए पहला जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आपको फॉर एंटायर पॉलिटी आपके लिए जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, ये सोर्सेस को चलिए अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रेट्स, इसके अलावा 112 शेड्यूल, ट्राइबल राइट इश्यूज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, और इसके अलावा देखिए आपको रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट के ऊपर, जैसे ARC की कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई कमीशन हो रहा है सरकार या कमीशन, कोई भी कमीशन जैसे आ रहा है नया, तो उस पर आप व्यू रखिए। इसके अलावा देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन को लिंक करिए, और जो जो आर्टिकल उससे अमेंड किए जा रहे हैं उन पर नजर रखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे जो है आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सीधे सीधे जो एक ग्लिम्स में हम व्यू कह सकते हैं आपको क्या क्या रेफर करना है, क्योंकि पीछे हमने डिकोड की थी NCERTs, तो अब आप NCERT देख लीजिए कि कौन कौन सी NCERTs हैं। तो देखिए NCERT जो है पूरी पॉलिटी के लिए जो है प्राइमरी सोर्स आपका क्या रहना चाहिए, 11th की NCERT पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, इसके अलावा लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, और कई लोग कहते हैं DD बसु पढ़नी चाहिए, मगर दोस्तों एक लक्ष्मीकांत और इतनी अगर आप पढ़ लेंगे ना दोस्तों तो ये पर्याप्त रहेगा। फिर भी रेफरेंस के लिए अगर किसी को लगता है कि PhD करनी है तो वो DD बसु भी रेफर कर सकता है। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उनके जो FAQs हैं वो जरूर पढ़िए, और करंट अफेयर्स के लिए जो है आप IAS पार्लियामेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे थे हम, तो ये आपको ये बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप ही की सुविधा के लिए मैंने लगाई है, तो आप ये देख लीजिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो ये बुक है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे डेमोक्रेसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझने हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आप पूरी इन डेप्थ समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे हैं। अब क्लास 11th की NCERT देख लीजिए आप, तो इसमें जो है आपको जो है फंडामेंटल्स और इससे जो होगा सिंपल आपको जो है समझने में कोई भी वो दूसरी बुक नहीं मिलेगी। तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो जो है माई एंड पापा ऑफ पॉलिटी है, इसको तो आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा देखिए एडिशनल सोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वो करनी है तो DD बसु आप कर सकते हैं, और अवर पॉलिटिकल सिस्टम जो है आप सुभाष कश्यप की जो है प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको PhD करनी है। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है PIB है, लेजिस्लेटिव services.com है, करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है आप रेफर करिएगा। इसके अलावा देखिए पॉलिटी का एक मेजर पोर्शन आ जाता है गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए आप पॉलिटी इन गवर्नेंस बाय M. लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट को आप देखिए और स्पेशल फोकस रखिए FAQs, उनकी स्कीम्स और उनके इनिशिएटिव पे, और फ्रिंज एरियाज लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, सिविल सर्विस, ARC 2, इनके लिए जो है इनकी आप ऑफिशियल साइट्स को जो है रेफर करिएगा। तो दोस्तों ये जो प्रिलिमिनरी की सीरीज है वो हम अगली सीरीज में हम आपके लिए ला रहे हैं, देखिए तो इसमें हम सारे क्वेश्चन का जो है इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे, पूरी जो है हमने पूरी तरीके से जो है क्वेश्चंस उनके जो है सॉल्यूशंस पूरी तरीके से हम आपके लिए पूरा एक कोर्स ला रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्योंकि इसमें हम बाई कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए पूरी तरीके से ये देखेंगे कि कैसे आपका UPSC का प्रिलिम्स जो है क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज आने वाली आप पूरी देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।